सिंह सिट्टू के लिए। आप लोग सोच रहे होंगे मैं ये क्या लेके घूम रहा हूँ। फॉर योर टाइम इन्फॉर्मेशन दिस इज एटीएम। आप ये तो समझ ही हो गए होंगे कि मेरे को गिफ्ट में तो मिला नहीं है, मैं चुरा के लाया हूँ बिट्टू के घर में छुपाने। क्योंकि क्योंकि आपने सुना होगा क्या कि प्यासा कुएं के पास जाता है। हाँ। और जिस घर में सारे प्यासे रहते हैं वहां कुएं को ढूंढने कोई नहीं आएगा। बड़ा बदमाश हो। वैसे सिद्धू जी। हाँ जी। हर चीज को छुपाना इतना आसान नहीं होता। आपको पता है एग्जाम में पर्ची छुपाने के लिए मैंने 40 मिनट लगाए हो और नंबर आए 28। मेरे को इम्तिहान में फेल होने में उतना दर्द नहीं हुआ जितना पर्ची छुपाने में, क्योंकि मैंने कान में पर्ची छुपाई थी गोल करके। फिर मैं पेपर देने बैठा, मेरे को याद ना आए पर्ची कहाँ छुपाई। बाहर से मेरा भाई बता रहा था उस कान में, लेकिन पता कहाँ चले, कान में तो पहले से पर्ची थी। आपको पता है सबसे ज्यादा कोई चीज अगर बच्चे छुपाते अपने घर वालों से वो होता है रिपोर्ट कार्ड एग्जाम्स का। खाली 2-3 बच्चे दिखाना चाहते हैं रिपोर्ट कार्ड, जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड आते हैं, बाकी मेरे और ये गिटार वाले जैसे तो मार ही खाते हैं हमेशा। और मेरा तो ये मानना भाजी, हर साल एग्जाम में मेहनत करने से अच्छा है एक ही बार मन लगा के डैडी के साइन करना सीख लो। यू नो व्हाट, मेरे साथ बचपन में बड़ा बुरा हुआ है। कैसे? मैं बेड पे सुसु कर देता था, मेरी माँ मुझे मारती थी। अच्छा। फिर एक बार पड़ोस वाली आंटी ने बताया मेरी माँ को, कहती मत मारा कर, मेरा बच्चा भी सुसु करता है। मेरी माँ कह रही तेरा 5 साल का, मेरा 18 का है। प्रॉब्लम। 5 साल का बच्चा सुसु करता है सिर्फ आधा बेड गीला होता है, 18 साल का बच्चा करता है बगल वाली खाट भी गीली होती है। अब बोला सबसे ज्यादा छुपाता कौन है, लड़कियां अपनी उम्र छुपाती हैं। आप सोचो सरकार ने लड़कों की उम्र 21 साल रखी है शादी के लिए और लड़कियों की 18 साल। हाँ। क्योंकि सरकार को भी पता है अगर 18 बोल रही निकलेगी 21 की। दुनिया में हर आदमी को कुछ ना कुछ छुपाने की आदत है। मैं यहाँ पे बैठे अपने दर्शकों से पूछना चाहता हूँ, देश जानना चाहता है कि आप लोगों ने कभी कुछ छुपाया है या क्या क्या छुपाने की आदत होती है। टेल मी फ्रेंकली, डोंट अफ्रेड, या कम ऑन टेल मी फ्रेंकली व्हाट यू वांट टू से टू मी। हेलो सर। हाय। हेलो। और मैं और मेरी डॉटर आपके बहुत बड़े फैन है और आपका शो हमें बहुत अच्छा काम करो, ये बगल वाली के कान में बता दो, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। मेरे को सुनाई दो देर में आप क्या बोल रहे हो। थोड़ा थोड़ा लाउड बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप। मैं ये बता रही हूँ कि मैं और मेरी डॉटर आई है, हम आपके बहुत बड़े फैन है, आपका शो हमें बहुत अच्छा लगता है। Everybody loves me because of my hairstyle, actually. और मैंने इसे बहुत एक बात छुपाई थी अपनी फैमिली लाइफ में। ऐसे मैं हाउस वाइफ हूँ और मेरे हस्बैंड कंप्यूटर इंजीनियर है, लेकिन उनका हाथ बहुत चाय से लूज है, बहुत पैसा खर्चा कर देते हैं। तो हर महीने वो जो घर चलाने के लिए पैसे देते थे उसमें से थोड़ी सी रकम मैं अलग रखती थी, और नया घर लेने के लिए जब थोड़े से पैसे कम पड़े तो वही बचत जो मैंने इतने सालों से अलग रखी थी वो मैंने दे दी, तो वो बहुत खुश हुए और हमारा काम ये हो गया। तो इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है कि उदास होने वाली बात नहीं है। तो कितने पैसे कम पड़े थे नया घर लेने के लिए? सही से 6-7 लाख कम पड़ रहे थे। 6-7 लाख रुपए चुराए आपने पति की जेब से। इतना तो हक बनता है ना। लेकिन ध्यान से देखिए, चोर पत्नी। क्या करते हैं आपके पति? वो कंप्यूटर इंजीनियर है। कंप्यूटर इंजीनियर, और आप क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। आप पॉकेट इंजीनियर हैं। ओके, आई लाइक योर चोरी एक्चुअली। कभी कभी ये काम करने चाहिए, मतलब पति लोग ना बड़े खर्चीले होते हैं। अच्छा। खर्चू कहीं के। आपका धन्यवाद शो में आने के लिए। और कोई हमारे दोस्त जिनको लगता है हमने कोई चीज छुपाई है, जब लोग ऐसी चीजें छुपाते हैं जो हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, टेल मी फ्रेंकली, आई डोंट हैव टाइम, आई हैव टू गो टू माय जॉब। ओह या, टेल मी। हेलो कपिल। हाय। हाउ आर यू? आई एम गुड। हेलो सिद्धू जी। हेलो। सिद्धू जी, मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि सब मत एक जैसे ही होते हैं, शादीशुदा होकर भी बोलते हैं कि वो शादीशुदा नहीं और गर्लफ्रेंड सी उम्र में पटाने चले। एक मिनट, मैं मर्द नहीं हूँ।
ऐसा नहीं है सर, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन कोई मर्द ऐसे हैं जो बहुत अभी से ही उम्र में पटाने चले गर्लफ्रेंड्स को, और ऐसे यहाँ पे बहुत जन होंगे सर जो यहाँ पे गर्लफ्रेंड्स को पटाते होंगे अभी शादीशुदा उम्र में भी। आपने क्या कहा कि आदमी लोग छुपाते हैं? जी क्या छुपाते हैं सर? शादीशुदा होकर भी सर गर्लफ्रेंड्स पटाते, ये तो गलत बात है, ये सब छुपाते हैं ना मर्द लोग। आपके लिए गलत बात है, उसको तो मजा आ रहा ना। आपकी शादी होगी? नहीं अभी तो नहीं। आपको किसी ने ऐसे झूठ बोला? नहीं, क्योंकि मैंने अब तक कोई बॉयफ्रेंड्स पटाए नहीं है। अच्छा, वेरी गुड। आप किन के साथ आई हैं? मैं अपने फैमिली के साथ आई, मासी मासा और मेरे बहनों के साथ। मासी? मासा? ये मासी जी है मूछ वाली? अच्छा, मासी इधर वाली है। मैं मर्दों को खबरदार करना चाहूंगा कि आप ये जो करतूते करते हैं, पटाते हैं, छुपाते हैं और दूसरी लड़के के साथ फिर चलाते हैं, लड़कियों को सब पता होता है, लड़कियां बड़ी चलाक होती है। जी। मैंने आपका मैसेज दे दिया। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू नहीं, 50 रुपए निकालो। मुफ्त में काम नहीं करता हूं मैं। चलो कोई बात नहीं, सुखी रहो। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। या व्हाट यू वांट टू से, टेल मी। सर मैडम जो बोल रही है वो ठीक है, पर लेकिन औरतें भी इतनी ही डेंजरस होती है जितना खड़े हो जाओ मैडम, इतना बदनाम करके बैठा है। नाउ टेल मी, खड़े हो जाओ, माइक लाओ। आप अपना पॉइंट रखिए, आप बताइए कैसे कैसे करती हैं। सर पहले तो औरतें 34 की होती हैं पर लेकिन 20 की लगना चाहती है ढेर सारा मेकअप लगाने के बाद। ये तो मैंने भी देखा, तभी ये बरसात से डरती है, किताबें रख लेती ऊपर। मेकअप उतरा ना। मर्द ही कुछ कम नहीं होते, बाल में डाई वाई सब लगा के घूमते, जवानी दिखाते हैं। आपकी शादी शादी हो गई आपकी? जी सर। कहाँ है बीवी आपकी? ये हाउ आर यू, इनकी बीवी कैसे हैं आप? आप भी काम जॉब करती हैं? तो आप इनके पैसे उड़ाती हैं? टेल मी। पैसे नहीं उड़ाती, हक का पैसा है मेरा, वो कमाते किसके लिए, मेरे लिए तो कमाते। जैसे ही बीवी उठी बेटा तेरी बोलती बंद हो गई। सर बीवी के सामने किसी की भी बोलती बंद हो जाती है। आप रेखा जी की फैन है? तो नहीं, क्यों? आपने सारे बाल इस तरह फेंके, भार नहीं लगता आपको? मेरे को तो इतने से बालों में लगता है। आपसे मिलने आई हूं इसके लिए रखे। एक्साइट दिखती भी नहीं है। एक्साइट। थैंक यू सो मच फॉर दिस काइंड ऑफ एप्रिसिएशन। थैंक यू। यस, टेल मी एनी अदर ऑप्शन। या टेल मी यू हुड जैकेट। कम ऑन स्ट्रेट फेस। हाय सर। हाय हाय, क्यों नहीं हाय बोलो? सर मैं अपने स्कूल में था जब 10th क्लास के अंदर, तो मेरे दो गए आप? हाँ जी सर। तो मेरी दो गर्लफ्रेंड थी। कौन सी क्लास में पढ़ते थे? 10th में। 10th में दो गर्लफ्रेंड थी, उसके बाद फेल हो गए कि पास हुए थे? फेल हो गया। फेल हो गया। आगे बताओ। तो मैं एक को लेके कैंटीन में बैठा हुआ था, हाथ पकड़ रखा था उसका मैंने, तो अचानक दूसरी वाली भी आ गई, उसी क्लास में थी, मेरी क्लास में सेम। फिर क्या, थप्पड़ मार दी दो। उसने तुम्हें दो थप्पड़ मारे? दो बुरी बात है, 4-6 मारने चाहिए। अभी क्या करते हो? मोबाइल रिपेयरिंग। मोबाइल रिपेयरिंग करते हो? आज 10th क्लास में दो दो गर्लफ्रेंड रखो तो इंजीनियर तो लगोगे नहीं। मोबाइल रिपेयर कर रहे हो। बैठ जाओ लायर, आई डोंट वांट टू टॉक विद लायर। ये सच्ची में पाजी, लोग इतना झूठ बोलते हैं, इतनी चीजें छुपाते ना, जब कभी ये रिश्ते विश्ते की बात होती ना, इतना झूठ। मेरी पिंकी बुआ ना, इसके लिए हमने लड़का ढूंढा, तो हमें बोलते कि लड़का जो है सरकारी अफसर है, बाद में पता चला 50 रुपए लेके पैन कार्ड के फॉर्म भरता है। फिर एक जगह रिश्ता कराया, कहते नहीं मीडिया में जॉब करता है, बाद में पता चला अखबार फेंकने जाता है सुबह सुबह साइकिल पे। इतना पता नहीं लोग क्यों झूठ बोलते हैं। अरे आरा हीले छपरा हीले बलिया हीले ला थारी लचके जब कमरिया री गोरी। अरे वाह, एटीएम यहाँ पे खुल गया, ऐसा करता हूँ पैसे यहीं पे निकाल लेता हूँ, स्टैंड पे लगा लो। अबे क्या, मैंने एटीएम में जाना है। क्यों जाना है?
सरकारी टॉयलेट उधर है, चल भागो उधर। अरे मैंने हल्का होने नहीं जाना, मैंने पैसे निकालने यहाँ से। पैसे कोई नहीं पैसे निकाल देता, एटीएम मेरा है। तुम्हारा कैसे? ये एटीएम मशीन तो बैंक वालों ने लगाई है। बैंक वाले लगाई, उठाई तो मैंने ना, लाया तेरा कार्ड, कौन सा पैसे निकालना। मैं अपना कार्ड तुझे क्यों दूं? मैं खुद पैसे निकाल सकता हूँ। पैसे निकालने आते तो आज तक गाड़ी ना खरीद लेता। पढ़ा बता तेरा पासवर्ड क्या है? मर जाऊंगा पासवर्ड नहीं बताऊंगा। बता देने दे, मैं कुछ गलत सलत टाइप करके कार्ड ब्लॉक कर दूंगा तेरा। 1983 उसके बाद भी इंडिया वर्ल्ड कप जीत चुका, तो वही भी अटका हुआ है। पासवर्ड बता इसका। 1983 पासवर्ड। ये पासवर्ड ही है। ये क्या पासवर्ड रखा तुमने? कुछ ऐसा रखना चाहिए, आई लव यू सुनीता मैम टाइप ऐसा। ये क्या पासवर्ड रखा है? पैसे अबे यहाँ से पैसे निकलते हैं। ऊपर डाल, ऊपर डाल। तो मैं उनको बता रहा हूँ कि हम पैसे निकालने वाले, रेडी रहना, ऐसे बता रहा मैं। पैसे कितने निकालने? एक मिनट, कुछ हाथ तो नहीं रहा। 200 रुपया। अरे बच्चे का गुल्लक तोड़ो, उसमें से भी 500 निकला, 200 रुपया निकाल लिया तू। चल भाग जा यहाँ से, 200 रुपया ले गया। अरे भाग यहाँ से, 30 रुपए की साइड मिलर डांट तमाल। बुरे बुरे सपने आएंगे तेरे को देखना, तेरी शक्ल ना आए बस। हेलो पुलिस स्टेशन, जल्दी से आ जाइए। वो क्या है कि मेरा दुपट्टा बालकनी से उड़ के ना पेड़ पे अटक गया है। बाद में बात करती हूँ। ओ सिद्धू, कैसा है तू, कब आया? हाय रब्बा, ये लाल रंग का फ्रिज कहाँ से ले आया? कितनी बार कहा तेरे को, जब फ्रिज ठीक करने वाले मैकेनिक के साथ मिलती जुलती ना, मिलना छोड़ दे, हर चीज तरह का फ्रिज नजर आती है। ये फ्रिज है, एटीएम है ये, पैसे निकलते हैं इसमें से। अब सिद्धू जी, हाँ जी, ना तो हमारा बैंक में किसी में अकाउंट है और ना ही अकाउंट में पैसे हैं, यू नो। तो क्या करनी है मशीन? ए बुआ, तेरे को पता है इसको क्या कहते हैं? कोनी। कोनी ना? हाँ। डॉक्टर जब पूछेगा ना पीठ पे किस चीज का निशान, उसको बताना जरूर। इसके आगे ना पीतल की चोंच लगा के ऐसा मारूंगा ना तेरे को खींच के। बढ़िया ही तू। अरे कार्ड डालना ना पड़े, अकाउंट खुलवाना ना पड़े, इसलिए तो मशीन चला के लाया मैं। चोरी करके लिया। ऐसा करने की क्या जरूरत थी? तेरे को पता है आजकल पुलिस पहले जैसी नहीं रही, बहुत जालिम हो गई है। बर्फ की सिल्ली पे लिटा लिटा के मारेगी। मेरे को पता है बर्फ की सिल्ली पे लिटा के मारते हैं, इसलिए गर्मी में चुराया मैंने, ताकि गर्मी से राहत मिले। और मेरी बात सुन, ये पुलिस से डर तुम्हें लगता होगा, सिट्टू सिर्फ घबराता है। मैं पुलिस के सामने ऐसे ऐसे भागता हूँ ना, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, पुलिस को लगता है नशेड़ी है, जाने दो, मेरे को कुछ कहते नहीं। ओए पागला, इतना रिस्क लेने की पला क्या जरूरत थी? जब तूने ये मशीन उखाड़ी होगी ना, तो कैमरे ने तेरी फोटो खींच ली होगी। ए बुआ, हाँ तेरे को क्या लगता है कि हर कोई जो बादाम खाता है उसके बादाम बेच जाते क्या? कईयों को अकल भी आ जाती है। ये मशीन मैंने नहीं उखाड़ी, हाँ। ये किसी डाकू ने उखाड़ी थी, उसने उठा के बाहर रखी, खुद क्या सेल्फी पे फोटो लेने, मैं चुरा के भाग ले। और ये तो और भी गड़बड़ कर दी तूने, पुलिस से तो फिर भी बच जाते, अब डाकुओं से कैसे निपटेंगे हम? अब डाकू से डरने की क्या जरूरत है, डाकू हमें पकड़ने आएंगे तो हम पुलिस को बुला लेंगे। फिड़े मुत्ते रे, पुलिस सबसे पहले तुझे पकड़ेगी। यार ये बात तो मेरे दिमाग में आई नहीं, इसका मतलब मेरे बादाम वेस्ट गए। बादामों को गोली मार, अब सोच करना क्या है? सोच लिया। क्या आइडिया? हाँ। मैं इल्जाम तेरे पे लगा दूंगा, तू शक्ल से चोर लगती भी है। अरे मैं जस्ट किडिंग यार, तू बर्फ की सिल्ली पे लेट के मार खाती हुई अच्छी थोड़ी ना लगेगी। देख ये मशीन तुझे ऐसे छुपानी पड़ेगी जैसे इतने सालों से तू अपनी उम्र छुपाती आ रही है, या फिर ऐसे जैसे काले बादल चांद को छुपा लेते हैं। ओ माय गॉड, कहीं मैं गुलजार ना बन जाऊं। अरे छुपा तो हम भी ऐसे सकते हैं जैसे आम अपने दर गुठली को छुपाता है, लेकिन इसके बदले हमें मिलेगा क्या सिट्टू? दादी, सिट्टू तेरे पैरों में सर झुकाता है। ओए अच्छा,
अगर ऐसा है तो दादी सिट्टू के सर पे हाथ रखती है। अब ये बता, इसे छुपा लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? गोले पे बेगी। बोल, तेरे को क्या चाहिए दादी? 50-50, एक छोड़ दो पैकेट, लेकिन चाय तेरी तरफ से। मैं बिस्किट की बात ही कर रही हूं। तो क्या कर रही है? अरे मशीन में से जो पैसे मिलेंगे उसका 50-50। ए बुआ, ये कोनी वाली बात बता जरा इसको। ए, बुढ़ापे में लगेगी बड़ी जोर से, मारकर रीढ़ की हड्डी तोड़ दूंगा, तेरे को बता रहा हूँ। सुन, तुझे शर्म नहीं आती? तेरा इतना फायदा हो रहा है तो हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। तो ठीक है, हर काम में 50-50 होएगा। हाँ। अगर मैं नहीं पकड़ा गया तो पैसे आधे आधे। हाँ। अगर मैं पकड़ा गया तो जेल आधी आधी। जेल के मामले में कोई पार्टनरशिप? पुलिस वाले डंडे बहुत मारते हैं सिद्धू जी। हाँ, हाँ। और मारते वक्त उम्र भी नहीं देखते। हाँ। सिट्टू की दादी होके पुलिस से डरती है? मेरा दिल करता मैं खुदकुशी कर लूं, फिर सोचता रहने दो हिंदुस्तान में शेर बचे कितने हैं। सिद्धू जी ठीक ही कहते हैं कि दीवार से सिर मारो ना तो अपना ही सिर फूट जाता है। तुझसे बात नहीं करनी मुझे, जा मैं जा रही हूं। ये लेके जा नकली फोन अपना। पिंकी का दिल दुखा के तूने अच्छा नहीं किया। अब चाहे तू मुझे कुछ भी दे दे, लेकिन ये मशीन में हर किसी नहीं छुपाऊंगी। दिल दुखाया उसका पिंपल तो नहीं दुखाया ना मैंने? और सुन, छुपा ले, 10,000 रुपए दूंगा। 10? क्या, लाख भी देगा तो मैं नहीं छुपाऊंगी, जा। ठीक है, फिर मुझे पुलिस से दो चीजें छुपानी पड़ेंगी। दो चीजें? एक मशीन, दूसरा लाश। की कुछ बात कर रहा था सिट्टू। कितनी लालची हो गई बुड्ढन तू। एक बात बता, मशीन को छुपाएंगे कहाँ? छुपाना क्या है, क्यों? इसमें से पैसे ले लेते और इसे फेंक देते। ये मशीन अकेला नहीं, केला खाया के छिलका फेंक दिया पागल। जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता मशीन छुपानी पड़ेगी। छुपाना है? हाँ। पूरा घर खाली है, कहीं भी छुपा दे? अरे ऐसी जगह नहीं, इसको ऐसी जगह छुपाना है जहाँ हमारी नजर के सामने भी रहे, क्योंकि अगर हमारे घर में से कोई चुरा के ले गया हम तो पुलिस में कंप्लेंट भी नहीं कर सकते। क्यों बुड्ढन, समझी में नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ गई, समझ गई, समझ गई। अगर ऐसी बात है तो एक ही रास्ता है। क्या? ये देख। ओ। अब बोल, है ना, कोई इसे देख भी नहीं सकेगा और हमारा काम भी हो जाएगा। शाबाश, वेरी गुड, मारूंगा एक बार। हमने सब देख लिया है। ये दादी, ये दूसरा एटीएम कहां से आ गया? हमने सब देख लिया है। ये दादी, ये दूसरा एटीएम कहां से आ गया? ये हमारा पड़ोसी है, लच्छा। लच्छा, तू यहाँ क्यों आया है? चल जा, अपने काम से काम कर, चल जा। अरे हम अपना ही काम कर रहे हैं। हमने तो पुलिस को फोन करके इत्तला भी कर दी है कि जो एटीएम मशीन गायब हुई है वो इसी घर में है। क्या, तूने एड्रेस भी दे दिया? हाँ दे दिया। तूने पुलिस को बताया वहां पे एक लाश भी पड़ी है? कहाँ पड़ी है लाश, हमें तो नहीं दिख रही। अभी इसलिए निकली, अभी खड़ी है, अभी ये चाकुस्तान तेरे पेटिस्तान में जाकर तेरा कब्रिस्तान बनाएगा ना, तभी तेरे को पता चलेगा। ठीक है, देखो देख देखे बारे में बताएगा तू? नहीं नहीं नहीं, देखे देखे आप ऐसा मत कीजिए, हमने पुलिस को इत्तला किया, पुलिस यहाँ पर आएगी, अगर हमारी लाश देखेगी तो डायरेक्टली आपके ऊपर जाएगा। ठोक दीजिए, देखिए ऐसी धोती उतार के कत्ल करूंगा ना तेरा, लाश बन के भी शर्म आएगी तेरे को। अरे देखिए घंटी बजी, कोई आया है? कोई आया है? अरे हटा, तब तक छुपोगे खंबे की आड़ में, तभी तो आओगे भिंडी बाजार में। आइए 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 इंस्पेक्टर साहब, आइए। एटीएम मशीन को चुराने वाला आदमी आपके सामने है। ए चुटिया कुमार, पीछे हटो। कौन है घर का मालिक? कौन है? कोई नहीं, हम सब किराएदार हैं। इसने चोरी की है एटीएम मशीन की, पकड़िए इसे। हमारा चुटिया कुमार, हम पूछ रहे हैं गार्डियन कौन है यहाँ पे, हमारा बड़ा कौन है घर में? मीट माय सेल्फ, आई एम बड़ा।
और बहुत बड़े हैं। और ये लहराता हुआ आदमी जो है, इससे आपका क्या वास्ता? इससे कोई रिश्ता विश्ता नहीं है। हाँ, ये तो सड़क क्रॉस करके जा रहा था, मुझे देखकर कहने लगा प्यास लगी है, पानी मिलेगा। मैं एक लोटा ला के पानी दे दी। पानी पी लेने के बाद करता है, मैं थोड़ा वेट करता हूँ, बाथरूम करके जाऊंगा। आप बोलो। सिकुड़ गया, सिकुड़ सिकुड़ गया। क्या बोल गया? तो पागल हो गया बुढ़िया, तेरे सिट्टू को नहीं पहचान रही है? अरे दादागिरी, पुलिस के होते हुए दादागिरी, अबे तू समझता क्या अपने आप? दादागिरी नहीं, दादीगिरी कर रहा था मैं। क्या नाम बताया तुमने तुम्हारा? सिट। सतेंद्र शर्मा। हाँ, नाम तो यही, पर पीठ पे मुक्का मत मारना, मेरे फोड़ा हुआ है। अरे मुझे बचाना। अरे मैं पांडे। पांडे? हाँ हाँ, पांडे। पांडे कौन? अरे याद है, अरे बचपन में तू मुझे आइसक्रीम नहीं देना चाहता था, इसलिए तू आइसक्रीम लेकर ट्रेन के बाथरूम में जाके छुप गया था। आइसक्रीम भी निकल गई थी और ट्रेन भी छूट गई थी। अरे यार पांडे, मेरा दोस्त निकला पांडे। तुझे याद है हम साथ में पढ़ा करते थे? हाँ मेरे को याद है, हम लोग साथ में लड़कियों कॉलेज जाया करते थे। अरे नहीं यार, ओ नहीं, हम तो भुवन कॉलेज जाते थे ना। अरे भुवन कॉलेज तो पढ़ने जाते थे ना, छेड़ने लड़कियां जाते थे लड़कियां। तेरे याद है तुमने एक बार साधना को आई लव यू बोला था, तेरी मुंह छुटा के नीचे थप्पड़ मारा। बचपन की बात। अच्छा तुम्हें याद है वो एक बार तुमने होमवर्क नहीं किया था, तुम्हारी टीचर ने इतनी जोर का लपाटा मारा था तुम्हारी पैंट के लिए हो गई। अच्छा पाठक सर थे ना, पाठक सर उनकी डांट इतनी तेज होती ना, मेरे पैरों में से पसीना निकला था। क्या हुई ना बात भैया? वाह 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 वाह। अब आप लोगों का ये भरत मिलाप हो गया हो तो जरा लाइन ऑर्डर की बात कर ले। लाइन ऑर्डर? वो क्या होता है भैया? क्या क्या होता है? इसने चोरी की है एटीएम मशीन, ये रहा चोर, पकड़िए। कौन सी एटीएम मशीन? कैसी एटीएम मशीन? अरे यहाँ पे अचानक से ब्लाइंड खेलने लग गए हैं क्या? अरे देखिए यहाँ पर खड़ी है एटीएम मशीन। मशीन तो हमें दिख नहीं रही, तुम्हारी शरारत जरूर दिख रही है भैया। ये देखो, ये इतने सीधे साधे पड़ोसियों को परेशान कर रहे हो तुम चुटिया कुमार। और एक दिन तो इसने मेरी बुआ को जाके आंख भी मारी ऐसे, उसने उसके यहाँ लगी, उसके खून निकलाया। अरे तुमने इतनी शरीफ औरत के साथ ऐसा बिहेव किया? हाँ। अरे काहे की शरीफ? अरे क्या गंदे गंदे इशारे वो हमको करती है पता है आपको? और एक इशारा तो इतना गंदा के एडल्ट होने के बावजूद हम देख नहीं पाए। झूठ बोल रहा है। मेरी बुआ तो इतनी शरीफ संस्कारी औरत है, अब बोला लोग नहाने से पहले शैम्पू लगाते हैं, कोई साबुन लगाता है, मेरी बुआ सबसे पहले चिटकनी लगाती है। ऐसे बोल रहा है? अरे कहां से लगाएगी चिटकनी? आपके बाथरूम में दरवाजा किधर है? मोटे लाल तुझे ये कैसे पता? ओ देखे इंस्पेक्टर साहब, हमारे कहने का मतलब या ना में जवाब दो। ओके ओके, जब उन्होंने कहा हाँ या ना में जवाब दो तो ओके क्या होता है? ठीक है ठीक है ठीक है, जब कहा हाँ या ना में जवाब दो, हाँ या ना में जवाब दो, ये बताओ नाम क्या है तुम्हारा? हाँ 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 हाँ। अब है लाइन में, अब ये बताओ चुटिया कुमार कि कत्ल की रात तुम कहाँ थे? अरे कौन सा कत्ल? इसने इतने कत्ल किए इसको याद नहीं कौन सा कत्ल। वाह। और उस लड़की के साथ जो मरी उसके साथ तुम्हारा क्या संबंध था? अरे कौन सी लड़की? अच्छा ए, कौन सी लड़की? इसका मतलब कितनी लड़की के साथ संबंध है इसको पता नहीं कौन सी लड़की है। अच्छा क्या ये इंस्पेक्टर साहब, इस घिनौने आदमी का जिंदा रहना और मैं कहता हूँ आजाद रहना, ये समाज के लिए खतरनाक है, इसको सलाखों के पीछे डाला जाए। मिलावट, दैट्स ऑल। ठीक है,
हमें खूनी दरिंदे और गैस के बंदे को जेल के पीछे लेकर जाएंगे। चलो अरे देखिए आप ये हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे इंस्पेक्टर साहब। अरे अरे आपको हम देख लेंगे। अरे चल ये पुलिस वाला तो तेरा दोस्त निकला। देना वुडन ये नहीं। अभी तो मेरे को पहचानने से मना कर दी। मैं जानती नहीं इसको पानी पिलाने नहीं रोका था। बाथरूम करके जाएगा तुमका तेरे पेट में। ये सब मैंने जानबूझ के नहीं किया। उम्र का तकाजा है, याददाश्त कमजोर हो गई है। पुलिस सामने आता है ना तो कुछ भी मुंह से निकल जाता है। देखिए हम अब किसको लेकर आए हैं। कॉमेडी नाइट की वासी हो यो हनी सिंगर। क्या समझ कर आए थे मशीन चुनाओगी तो सरदार खुश होगा। क्योंकि तुम ही हो। क्या कर रहे हो? अबे तेरे खुद ही गा तो मैंने शरारत कर रहा है, मस्करी कर रहा है मेरी। तुम्हें मालूम नहीं सरकार ने मेरे सर पे 50,000 रुपए का इनाम रखा है। अरे आप तेरे 50,000 इतने का तो मैं गुड़चना खा जाता हूँ। मैं इतने का गुड़चना खा जाता हूँ मैं। और 1,00,000 तो भोलू बच्चा जोर पे नाम रखा, तेरे से क्यों डरूं मैं चिलगो से। सिट्टू सिट्टू मेरे बच्चे तू घबरा मत, मैं हूं ना, मैं तेरी जान बचाऊंगी। अब देख डाकू बेटा, माफ कर दे बेटा, हमें माफ कर दे। मैं तुम्हें कैसे माफ कर सकता हूँ? एक बार एक आदमी ने मेरा कच्छा चुराया था। अच्छा? मुझे इतना गुस्सा आया कि वो आदमी जिंदगी भर कच्छा नहीं पहन पाया। अब जब कच्छे के लिए मैं इतना कुछ कर सकता हूँ तो मशीन के लिए क्या क्या नहीं करूँगा। देखो अंकल मैंने आपकी मशीन नहीं चुराई, मतलब मेरे को मशीन चलाने क्या जरूरत है, हट्टा कट्टा आदमी हूँ मैं तो भीख भी मांग सकता हूँ। ये मशीन इसने चलाई बढ़िया ने। झूठ मत बोल। मैं झूठ नहीं बोलता, अगर मैं झूठ बोलूँ तो मैं अपनी दादी का मरा हुआ मुंह देखूँ मैं। हम बता रहे हैं दोनों झूठ बोल रहे हैं, मशीन इसने चुराई है और ये इसकी दादी है। ए, इसकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। ओए, इसको बांध ले बुढ़िया, नाच के दिखा। जब से शुरू हो जाती है। अरे आप एक कलाकार को बांध नहीं सकते आप। अरे बुढ़िया क्या नाचेगी, मैं नाचूंगा, बुढ़िया को बांध दो क्योंकि आई एम ग्रेट एंटरटेनर। ठीक है तो जब तक तुम्हारे पाँव चलेंगे इसकी सांसें चलेगी। हाँ, नाचो। तब तो बुढ़िया गई, मेरे 2 मिनट बाद मेरी नी में हेडेक होने लगता है। नाचो गाओ नाचो। ये दुनिया अबे आगे गा। जंगल में रहने वाले तुम्हें क्या पता दुनिया कितनी लंबी, अभी तो होशियारपुर भी नहीं आया। तो ये क्या डांस हुआ? हम दिखाते डांस कैसे करते। ये दुनिया पित्तल की। तो देखो डांस हुआ, डांस हम दिखाते कैसे करते। कैसे? खबरदार कोई अपनी जगह से हिला तो हिला के रख दूंगा। शाबाश मेरा दोस्त आ गया। अरे हटक। दुर्जन सिंह बड़े दिनों से तेरा इंतजार था। मुझे मालूम था तू एटीएम मशीन लेने जरूर आएगा। अरे मैं तो सिट्टू को बकरी बनाकर इस शेर तक पहुंचना चाहता था। अबे मैं कहा कि बकरी मेरे को कौन सा दूध देते हुए देख लिया तुमने। अरे कहावत बोल रहा हूँ यार। अच्छा तू कहावत बोलेगा, तू ये यहाँ अंताक्षरी खेलने आए। अरे हे चुप, मैं तो सिट्टू के सहारे दुर्जन सिंह को पकड़ना चाहता था। अब तुम दोनों जेल चलोगे मेरे साथ। चलो। मुझे क्यों, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। अरे काय का दोस्त, कैसा दोस्त? कानून का कोई दोस्त नहीं होता। कानून किसी का दोस्त नहीं होता, वो केवल न्याय करना जानता है। और तू
तू मेरे साथ जाएगा। बोल, सफाई में कुछ कहना चाहता है? सफाई में क्या कहूँ, तीन दिन से पानी नहीं आया, सफाई में क्या कहूँ। इंस्पेक्टर, मुझसे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी इंस्पेक्टर। अरे हटा, अब हिंदुस्तान में एक दुश्मनी तो सस्ती है, उसे भी महंगी करेगा तू। चलो जेल चलो मेरे साथ, तुम ही चलो। एक मिनट, तुम मेरे जेल ले जाना चाहते हो अपने पुराने दोस्त को? जेल जाने से पहले मैं तुम्हारे साथ 14-15 बातें करना चाहता हूँ। बोलो। तुम्हें याद है बचपन में एक बार मैं तुम्हारा टिफिन लेके भागा था, तुम मेरे पीछे भागे थे? याद है। एक बार मैं तुम्हारा ज्योमेट्री बॉक्स लेके भागा था, तुम मेरे पीछे भागे थे? याद है सिट्टू, याद है। तुम तब भी नहीं मुझे पकड़वाए थे ना? तुम बदल गए दोस्त, लेकिन मैं नहीं बदला। मैं आज भी भागूंगा, तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे। लोग कहते हैं कि जोड़ियां जो हैं भगवान के घर में बनती हैं। बिल्कुल। तो ये जो बॉम्बे बैंडस्टैंड में जो पत्थरों के पीछे छिपके बैठे रहते हैं, नवी नवी। नहीं, ये क्या बजट डिस्कस करने के लिए बैठे हैं? नहीं, वो भी तो जोड़ियां बनी रही ना बाजी। लेकिन ये जोड़ियां बनती कॉलेज में, स्कूल में, फिर आके पत्थरों के पीछे अपनी अपनी जोड़ियां बना रहे। फिर ऐसे मौके पर कभी कभी पुलिस भी आ जाती है। रोमियो जूलियट बैठे रहते हैं ना, जो हाथ पकड़ के आई विल डाई फॉर यू, ये वो। ऊपर से पुलिस आती है ना, जब गर्दन पे थप्पड़ पड़ता है। क्या चला, क्या क्या नाम तुम्हारा? ए, संदीप शुक्ला, मोबाइल रिपेयर करते हैं। बाद में पुलिस वाले फिर आके ना गुस्से में उनके माँ बाप को बुला लेते हैं, माँ बाप फिर बदनामी के डर से उन्हीं की शादी भी करा लेते हैं। सो ये भी कहा जा सकता है कि कुछ जोड़ियां जो होती हैं भगवान के घर में नहीं, पुलिस थानों में भी बनती हैं। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। फिर भी यही दादी। एक्सक्यूज मी, द होल यूनिवर्स नोज नाउ दैट आई डोंट ड्रिंक बिकॉज ऑफ हैप्पीनेस, आई ड्रिंक बिकॉज ऑफ। लेकिन इसे कौन बोले, इसे कहां मेरे दर्द की चिंता? दर्द क्या, रोज मोहल्ले वाले से मुक्के खा के आधी बॉडी में दर्द तो निकलेगा ही। निकम्मा कहेगा क्या? निकम्मा क्या करता मैं? आज तक कभी मैंने बड़ी सी बड़ी चीज की कमी आने दी तुम लोगों को? कौन सी बड़ी से बड़ी चीजें मांगी हमने तुमसे? इस घर को सबसे छोटी चीज की जरूरत है, एक दूसरे बच्चे की जरूरत है। बोलो समझाओ, तुझसे कौन बहस करे? तुझे तो मेरी तुझे की ख्याल नहीं। इतने खुश रहना था तो मेरे को बचपन से अच्छी चीजें सिखाती ना तू। आपको पता बाजी पैदा होते मेरे को बेहोश होने की एक्टिंग सिखा दी इसने। बाद में बेहोश बच्चे को लेके जाके बोलती बच्चा बेहोश हो गया दूध के पैसे दे दो, ये तो हरकत करती है। हाँ हाँ, सारी गलती तो मेरी है जो मुझे ऐसा पोता मिला। काश काश मुझे ऐसा पोता मिलता। आपको कैसे पता कि मैं आने वाला था? नहीं, वो तो सिर्फ हवा आने के लिए खिड़की खोली थी। एक बार जोरदार ताली हमारे इंडस्ट्री के मोस्ट पॉपुलर प्रोड्यूसर डायरेक्टर मिस्टर करण जौहर के लिए। ओ अब उठा दो, उम्र हो गई है। थैंक यू, नमस्कार। ये थरथराटी हुए होंठ दादी, आप पहली औरत है जो मुझे देख के ऐसे थरथरा रही हो। ये मेरे साथ नॉर्मली नहीं होता। बस आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूं, इसीलिए मैं आपके हाथ छोड़ने वाला हूं अभी दादी। वैसे भी कुछ लगा दीजिए, कुछ ज्यादा बाल उग रहे हैं। कहती थी मेरे करण जौहर आएंगे, मेरे करण जौहर आएंगे। दादी तेरे कहां से, तेरे कहां से करण जौहर? वो धर्मा प्रोडक्शन से है, शर्मा प्रोडक्शन से नहीं। मुझे नहीं पता, ये
इसने लाइफ में कभी इतना सा नहीं था दादी। एक तो ना इसने सबको गोद में खिलाया करण सर। हाँ। सब कितो इसे देखा, मेरे को तो शक है ये दाई का काम करती रही पहले। करण सर एक बात बताइए, बैक टू बैक धर्मा प्रोडक्शन की तरफ से फिल्में रिलीज होती रहती, इतनी प्रोडक्शन कैसे कर लेते सर आप? देखिए अभी हम फैक्ट्री स्टाइल हो गए हम, तो जैसे फैक्ट्री में लोग बनाते हैं ना नॉन स्टॉप चीजें, तो हम ऐसे फिल्मों का व्यवहार ऐसी तरह करते हैं, ऐसे हम बनाते रहते हैं वन आफ्टर दी अदर। अरे वाह। तू कुछ समझा क्या? इसके कहने का मतलब ये था कि अगर बंदे का फोकस सही जगह हो ना तो प्रोडक्शन तो क्या रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। लेकिन हो नहीं रहा क्या? He is not trying only. दादी यार तू बोले या मेरे को बोलने दे। हाँ तो ठीक है, बस मैं ही बोल लेती हूँ। जी मम्मी कैसी है? मम्मी ठीक ठाक, अभी देख रही है आप ही को देख रही है। हेलो मम्मी। तेरी मम्मी कहाँ चली गई? इनकी मम्मी। कब तक दूसरों की शादी में नाचते रहोगे? क्या करूं दादी, इस हाथों की रेखा में कोई रेखा ना शोभा ना चंपा लिखी नहीं। अरे ये सब चीजों के लिए हाथ में रेखा की जरूरत नहीं है पगले। फिर कहाँ रेखा की जरूरत? अरे कुछ एक बात बताओ, किसी लड़की ने आज तक तुम्हें ऐसे करके नहीं बोला? सिवाय आपके नहीं। और वैसे दादी अब टू क्लोज फॉर कंफर्ट, मुझे अभी शर्म आ रही है। यही तो मैं जानना चाहती हूँ। क्योंकि मैं ना अपनी दादी को माताजी बुलाता था, मैं आपको माताजी बुला सकता हूँ। इनको आप पिताजी भी बुला सकते हैं। अरे चुप करेगा तू? मैं सिर्फ इतना जानना चाहती थी कि किसी लड़की ने करण को ऐसे करके नहीं बोला। तुम नहीं समझोगे करण कुछ 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 होता है। बोला कि नहीं बोला? रिहर्सल में काजल ने बोला था एक बार मुझसे, पर वो तो फिल्म की बात ही कुछ कुछ होता है किसी ने। दादी तेरे तेरे से उनकी खुशी बर्दाश्त नहीं है, कितनी अच्छी लाइफ चल रही है, घर पे जाते हैं कोई बीवी नहीं पूछती इनको कि हाँ सब्जी लेके आए कि नहीं आए, या बैक टू बैक आले के साथ फिल्म क्यों बना रहे हो, खुश है तू क्यों जाती है? बीवी का फायदा क्या होता है? हाँ, वही तो। मैंने अपनी खुद अपनी माँ से कहा है कि ना कि ज्वेलरी शेयर करनी पड़ेगी ना, मैं अच्छा सिचुएशन हुआ ना। मुझे तो लगा था तुम आए हो इधर तुम इसे कुछ समझाओगे, तू भी ऐसे ही निकला। मैं ऐसे निकम्मा। जा दादी भाग जाए, तुम करण से बात कर रहे पागल कहीं की। एक बार जोरदार तालियां करण सर के लिए, स्वागत है। खुदा अपनी रहमत से हर इंसान में मदीना बना सकता है, किसी को आशिक तो किसी को गजब की हसीना बना सकता है। अरे हीरे तराशने वाले तो बहुत हैं बॉलीवुड की दुनिया में, करण साहब आप वो जौहरी हो जो पत्थर को तराश के नगीना बना सकता। अरे वाह, सर मैं करण सर मैं खुद कंफ्यूज हूं कि मैं बात किससे कर रहा हूं, एक राइटर से, एक प्रोड्यूसर से, एक डायरेक्टर से, एक जज से, एक एक्टर से, एक डांसर से, विद whom आई एम टॉकिंग ब्रो? ब्रो यू आर टॉकिंग टू अ एक्सट्रीमली कंफ्यूज्ड पर्सन हु डजंट नो व्हाट ही वांट्स टू डू। क्योंकि इतने सारे जब क्रेडेंशियल्स आ जाते हैं तो इसका मतलब ये है तो कि बंदा कंफ्यूज्ड है। चलिए सबसे पहला सवाल जो मेरा है जी वो है करण जौहर द डायरेक्टर से जी। सर आपकी रोमांस के ऊपर बहुत ज्यादा पकड़ है आपकी फिल्मों में, आमतौर पे देखा जाता है जी। तो क्या आप रियल लाइफ में भी इतने ही रोमांटिक हैं? बिल्कुल नहीं, जो रियल लाइफ में नहीं होता ना वो बड़े पर्दे पे हम दिखा देते हैं, तो रियल लाइफ में कोई रोमांस वोमांस नहीं होता, तो होता भी नहीं, और फिल्मी रोमांस हम करेंगे तो बहुत ओवर बजट हो जाएगा हमारा पर्सनल लाइफ। अच्छा अब दूसरा सवाल करण जौहर द सन से। हाँ सुना आपकी मम्मी कॉमेडी नाइट्स बड़ा देखती है, रोज देखती है, रिपीट भी देखती है, और जब रिपीट का रिपीट होता है ना तो वो भी देखती है। अरे वाह क्या बात है। आपको कितना प्राउड होगा देखिए आज आप नाम ले लो ना बहुत खुश हो जाएंगे, हीरो आंटी बोल दीजिए। हीरो आंटी आज आप कितनी प्राउड फील कर रही होंगी, आज देखिए आपका बेटा कहाँ पहुंच गया कॉमेडी नाइट्स में। देखा यही तो मेरी तरक्की है, यहाँ पहुंच गया मैं फाइनली। ब्रो यो कैरी ब्रो के लिए जोरदार तालियां। देखिए मैं कहना चाहता हूँ बिफोर द नेक्स्ट क्वेश्चन कि कपिल शर्मा की इंग्लिश मैंने फेमस की है, ये मेरी वजह से इनकी अंग्रेजी बहुत वर्ल्ड फेमस हो चुकी है, और इनकी अंग्रेजी सिर्फ दो इंसान समझते हैं, ये और कोई नहीं।
That's cause of, you know, heavy rain outside. But now your English is world famous, bro. Yeah, it doesn't matter, but the old people are illiterate. Achha, what is the biggest word you know in English, Kapil? Sabse zyada lamba jo word hota hai, what is the biggest word you know? Like the most complicated long word. In these days, I know about controversies. Spell kar sakte ho controversy? सर इतना बुरा नहीं आजकल में. अच्छा चलो कंट्रोवर्सी करूं. के ओ एन. अच्छा के ओ एन. अच्छा हां मेरे मैं खड़ा होना तो के से ही शुरू हो रहा है. मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि करण सर की जो फिल्में होती हैं वो समय से बहुत आगे होती हैं. जैसे हमारे देश में 3G बहुत बाद में आया, अभी भी आया. इनकी K3G बड़ी देर पहले आ गई थी. अरे मैं बताऊं, K3G के बारे में लोग ये कंफ्यूज हो जाते थे. ये एक्रोनिम कहते हैं. यू लर्न दैट न्यू वर्ड टुडे. हां एक्रोनिम. एक्रोनिम. तो एक बार मैं बैकस्टेज खड़ा था और कोई मेरे पास आया, कहते बड़ी अच्छी पिक्चर बनाई आपने 3KG. तो 3KG. तो आई सेड 3KG वजन होता है जनाब. आज बाप की पिक्चर का वजन बहुत बड़ा है. तो मैं बस चुप हो गया कि लोग कंफ्यूज हो जाते थे. तब K3G इतना पॉपुलर नहीं बना था. आप उसके बाद फिर शायद. पर बड़ी अच्छी बात है सर, क्योंकि आपकी फिल्मों में जो देखने को मिलता है, जैसे करण सर की फिल्मों में आप कॉलेजेस देखिए, ऐसे कॉलेजेस मतलब लड़कियां चमकीले पर्स लेके हाथ में जा रही हैं और लड़कों के पास जो बाइक होते हैं, जो गाड़ियां होती हैं, माइकल शुमाकर के पास ऐसी गाड़ियां नहीं होती जो इनके स्टूडेंट्स के पास होती हैं. और मैंने जब अपना पहला सेट लगाया था, पहला बड़ा सेट लगाया था मैंने कॉलेज का, तो मेरे जो पिताजी थे वो एकदम चौंक गए कि इतना बड़ा सा सेट कॉलेज का. उन्होंने लाइफ में नहीं सोचा था कि क्लासरूम इतना बड़ा होगा, कॉरिडोर इतना बड़ा होगा. तो वो बाहर खड़े थे, महबूब स्टूडियो के बाहर खड़े थे एक दिन. तो उनका कोई दोस्त आया उनकी तरफ और कहा कि यश जी आप क्या रास्ते पे क्यों खड़े हो. इसे मेरे बेटे ने सेट लगाया अंदर, मैं रास्ते पे ही आ गया हूँ उसके बाद. आप प्लीज यहाँ पे बैठ जाइए, आपके साथ ढेर सारी बातें करेंगे. जोरदार तालियां करण सर के लिए. शर्मा कहाँ हो तुम? कहाँ हो? बाहर गया है. काम में खड़े हो, झूठ बोल रहे हो. तो जब नजर आ रहा तो पूछ क्यों नहीं हो? तुम दिख तो रहे हो, लेकिन सवाल ये है कि तुम्हें देखना चाहता है कौन? मैं यहाँ पर मिलने आई हूँ करण जौहर जी से. पहले तो पाए लागू. नहीं नहीं आंटी, करण तेरे से इतने छोटे हैं, पाए लागू? हाँ, लेकिन डायरेक्टर कितने बड़े हैं. ना जाने कब मुझे अपनी फिल्म में चांस दे में एज ए स्टूडेंट. तेरी उम्र में तो प्रिंसिपल भी रिटायर हो जाते. इस उम्र में स्टूडेंट? बेटा बच्चों को फेल होते हुए कभी नहीं देखा क्या आपने? फेल भी तो होते हैं. लेकिन सर मैं आपसे एक दिल की बात करना चाहूंगी. दिल की बात ही कीजिए आप. हाँ देखिए, मैं बहुत खुश हूँ आपसे. अच्छा, आपसे बहुत खुश हूँ. वो जो शो आता है झलक दिखला जा जी, उसके अंदर आप जो मेरी बेटी पलक के ऊपर लगातार लाइन मारते रहते हैं. वो देखकर मेरा दिल खुश हो गया है. झूठ बोल रही है, हमने तो कभी नहीं देखा. अरे आपने क्या देखा? हिंदुस्तान नहीं मार सकता लाइन पलक पे. लाइन मार नहीं सकती उसपे, तो गोली मारे कोई अगर मारे तो. एक्सक्यूज मी, पलक की माँ वो मैं लाइन नहीं मारता, वो रेमो मारता है लाइन. वो रेमो वो दाढ़ी ऐसे वो दाढ़ी सेक्सी सा है. वो पलक को देख के आऊ आऊ करता है. अब ऐसे भी पंखुड़ी आंटी, पता क्या होता है, जब दिल आ गया गधी पे तो परी क्या चीज है, ये चक्कर भी होता है. बेटा आप तो बलों को गधी तो नहीं कह रहे? नहीं नहीं, बिल्कुल कह रहा हूँ. नहीं ये अच्छा है, भैंसिया से बेटर है जो आप नॉर्मली कहते हैं बेटर. गधी. नहीं लेकिन मैं सर आपसे कह रही हूँ, आपने ये जो फिल्म बनाई इसमें ये जो दुल्हनिया का रोल है जी, वो पलक को बेटर सूट करता था ऐसा. देखिए आंटी जी, मंडप की कास्टिंग के लिए पलक ठीक है, दुल्हनिया के लिए नहीं. अगर मंडप मुझे सेटअप करना तो पलक मंडप बन सकती है, पलक के ऊपर शादी हो सकती है, लेकिन उसके साथ शादी नहीं की जा सकती. आप भी इनके जरा ही बातें करते हैं ऐसी. सेम मेरा कपिल का जन्म जन्म का नाता है. मैं के फॉर करण, के फॉर कपिल. हाँ के फॉर कपिल. पर ये बार बार क्या पलक पलक की बातें कर रही है? पलक को प्रमोट करने आई यहाँ पे आप? नहीं बेटा कहाँ, मैं तो आपको डिमोट करने आई हूँ. आज मैं साफ साफ बताती हूँ, ये जो शर्मा 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 कह के अपने आप को शर्मा कहते हैं, ये सब झूठ बेकार की बातें हैं. अच्छा? असली शर्मा ऐसे नहीं होते. हाँ, कैसे होते? असली शर्मा कैसे होते हैं? K
क्या हिंदुस्तान की जनता देखना चाहती है? तो ठीक है लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम यहाँ पर बुला रहे हैं असली शर्मा को, यानी कि हम्प्टी शर्मा और उनकी दुल्हनी। कितने प्यारे बच्चे दोनों देख के, ये इन्हें कहते हैं असली शर्मा, ये लड़का यहाँ खड़ा है ये है नकली शर्मा। तो ये बच्चे होते जरा सी तारीफ करो, देखे कितने प्यार से शर्माते हैं, और ये आदमी शर्मा नहीं रहे, वाह कर रहे तो इधर मुंह कर रहे हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये आदमी कितनी बेइज्जती कर लो, इसकी कितनी बेइज्जती कर लो, ढीठ की तरह खड़ा रहता है बस। हेलो सर, हेलो, हाय आलिया, हेलो, वेलकम बैक, हेलो, हाय, आई एम वेरी गुड। शर्मा जी आपने बताया नहीं हमारे घर में गेस्ट आए हुए हैं। एक मिनट, क्या शर्मा जी कह के दुनिया को बहका के रखा है शर्मा, ये आपका जो बिट्टू है ये कोई शर्मा वर्मा नहीं है। मैं आपको क्लियर बता दी, जो असली शर्मा होते हैं उनमें तीन इम्पोर्टेंट क्वालिटीज होती हैं, तो सारी की सारी इन दोनों में है, और इन दोनों में तो बिल्कुल भी नहीं है। कौन सी तीन क्वालिटीज होती हैं असली शर्मा में बताओ? देखिए जो असली शर्मा होते हैं उन दोनों के बीच में प्यार होता है। अब देखो ये दोनों जो है इनके बीच में कितना प्यार, ओहो कितना प्यार ही प्यार भरा। और ये दोनों हैं जैसे सांप और नेवला। खबरदार जो मेरी बीवी को सांप कहा तो अच्छी बड़ी छिपकली लगती हो। जब देखो तक लड़ते झगड़ते रहते बस। आंटी जी ऐसा बिल्कुल नहीं, वो दिखता नहीं, लेकिन हम दोनों में भी प्यार है, ऐसा नहीं है। प्रूफ करो है प्यार। हाँ है। तो चलो एक काम करते हैं, अब यहाँ पर जो वो मिस्टर शर्मा है वो अपनी पार्टनर के प्रति ऐसी कोई तीन अच्छी अच्छी तारीफें करें, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिलहाल तो आपके मुंह से पानी हो रहा है। दूध तो बात को घुमाने की कोशिश मत करो, तीन तीन तारीफें करें, और मैं जानती हूँ आपको तो वक्त लगेगा सोचने में, इसके लिए पहले हम वरुण के साथ शुरू करते हैं। बेटा आप तीन तारीफें करो अपनी पार्टनर। तीन नहीं पर मैं सिद्धू पाजी भी इधर है तो इनको देख के एक शेर याद आता है जो खड़का रहे मिसेस के लिए कर सकता हूँ। प्यार का हर इंतहा देंगे हम, हाँ तुम दिल मांगोगी जान देंगे हम। वाह कपिल जी अभी आपकी कोशिश, आप मारो। ओके बात गलत है भाजी, सेम एग्जाम में मेरे को डिफिकल्ट वाला पेपर दे दिया। वरुण मेरे को आप बोलोगे ना आलिया की 10 तारीफ कर दूंगा मैं, बड़ी प्यारी है, हॉट है, सेक्सी, कितने अच्छे बाल, कितनी अच्छी आंखें, कितने खूबसूरत होंठ है, कितनी अच्छी स्माइल है, लेकिन मैं मतलब देखो क्या नहीं घुटनों पे तो चले जाओ पहले, इतना डिफिकल्ट है। आप इतना आपने भी ऑरेंज पहना है मैंने भी ऑरेंज पहना, इनको देख लो चलो। आपके होंठ बड़े खूबसूरत है, इससे आगे मैं जाना नहीं चाहता और इससे पीछे मैं हटना नहीं चाहता। देखा टू टाइमिंग लवर है ये। डेविड धवन साहब ने इतने साल इंडस्ट्री में काम करके इतना अच्छा नाम कमाया, आपने एक झूठ बोल के सारा बेड़ा गर्क कर दिया। क्या फायदा किया था, देखो मैं तेरा जीरो। आलिया की तारीफ झट से पता क्यों निकलती है? एक तो आलिया के बारे में भी मैंने आपकी क्वालिटीज बताई, इनकी खूबसूरत है, हॉट है, प्यारी है, स्वीट है, ऊपर से इनके पिताजी भट्ट साहब, और तुम्हारे वाला क्या नाम था? हाँ मैं बताता हूँ सर, जब भट्ट साहब ने पूजा भट्ट को लेके सड़क बनाई थी ना जी 93 में जी, तो उस सड़क पे डामर इनके पिताजी डाल रहे थे। वरुण बोलता है कि आप प्यार से देखो ना अपनी बीवी को तो आती है बातें, तारीफें निकलती। मैं इनको देखता हूँ तो मेरे को अजीब अजीब चीज याद आती कि पानी का बिल नहीं दिया, लाइट कनेक्शन करके। मैं मेरी शक्ल देख के आपको पानी का बिल याद आता है? अब नलके जैसा मुंह देख के यही चीजें याद आएंगी शर्मा जी। कहीं नहीं जा रहा है तो झगड़ा हो गया, ये तो लड़ाई झगड़ा बंद कीजिए, ऐसे नहीं होता, हमें फैसला करना है। तो अब मैं आपको बता दी हूँ दूसरी क्वालिटी,
जो असली शर्माज होते हैं, असली जो असली शर्माज होते हैं वो कमाल का डांस भी करते हैं। अच्छा, मैं करते हैं तो अब इन दोनों कपल्स के बीच में होगा, इन दोनों कपल्स के बीच में होगा डांस फेस ऑफ। वाह, डांस फेस ऑफ होगा दोनों कपल्स के बीच और जज करेंगे मशहूर जज करण जौहर। वाह, तो गाना तुम सब चढ़ गया ऊपर रे, अतरिया पे सोना कबूतर रे। अच्छा वरुण को भी ना, कि अगर तुम्हें इतनी हंसी आई है तो वैसे हाथ में हाथ मार के इसलिए आ लिए बस करो ना फिल्म में। मैं यही कहता हूँ ये ना, ये सुपरमार्केट की तरह है, बाय वन गेट वन फ्री। यार मुझे सब चलते हैं, देखो इतना सब देख के मेरा भी थोड़ा मुझे आई वॉन्ट टू टेल यू आपने मुझे सही मेरी औकात दिखा दी। सिर्फ लेडीज ओवर 80 आर इंटरेस्टेड इन मी। पहले आई थी, मैंने इतना थर्ड क्लास डांस कभी किसी मंच पे नहीं देखा। मैंने पहले कहा था मत करना वरुण। मैं बड़ा दुख दीना तेरे कपिल ने, बड़ा दुख दीना। True, मुझे भी। हाँ, ये तो सरोज खान है ना, ये तो इन्होंने बहुत अच्छा किया। और आपने जो गणेश का आचार्य निकाला उसका पंकड़ी को पता है, शर्मा की एक और क्वालिटी होती है। क्या, कौन सी वाली? यही कि वो उम्र और जेंडर का लिहाज नहीं करते। ऐसे दाढ़ी वाले औरतों ना धक्के मार के बाहर भी निकालते हैं। I'll see you later. तेरी वजह से सारी बेइज्जती हुई है। अगर मेरी शादी आलिया से हुई होती ना, इसकी हिम्मत ना थी मेरे को कुछ कहने की। क्या आपको शर्म नहीं आती इतने बदतमीज आदमी सामने बीवी खड़ी और पढ़ाई औरत के साथ आप शादी करने की बात कर रहे हैं? जेब में 5 का सिक्का पड़ा हो, सामने 1000 का नोट आए तो किसका दिमाग नहीं खराब होगा? और वैसे भी आलिया कहाँ पर आई, आना जाना लगा रहता आजकल अपनी है वो। एक मिनट, मैं एक डेक्लेरेशन करना चाहती हूँ यहाँ पे। डेक्लेरेशन 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 3 बार कहने से बात अच्छी हो जाए। आपके पति मुझे 600 बार SMS करते हैं, 999 बार मिस कॉल देते हैं और 3 बार खत लिखते हैं। मेरे घर के बाहर उन्होंने आके ऐसे कर दिया, बेबी प्लीज कम टू द शो, प्लीज कम टू द शो। By doing films with Karan Johar, so baby came to the show. After doing films with Karan Johar, yes, baby should dial 100. Yeah. After that, simple. 100. इनके पिताजी वहाँ बैठते हैं, वो आप समोसे डिलीवरी करते हैं। मंदिर। वो आती जाती रहती है, अभी अपनी मपराई कहाँ, कैसे बोलती तुम? तो वरुण भी तो आता जाता है, मैं इसको अपना पति बना लूँ। Already जिसकी बनाई है। आगे। वैसे भी बाजी जिस आदमी के पास टच स्क्रीन फोन हो वो लैंडलाइन पर मतलब मतलब जिसकी प्लेट में रसमलाई है वो चूरन की गोली क्यों खाएगा? आप ना मुझे ताने मारना बंद कीजिए और मैं पापा से आपकी शिकायत कर दूंगी। बाईं तरफ से करना, दायां कान खराब है उनका। इनके पिताजी का दायां कान मैंने खुद खराब होते देखा सर। हाँ। एक औरत से बोल रहे थे बेटा सोने की चेन निकाल दो, मैं सोना डबल करता हूँ, पुलिस वाली निकली, उन्होंने कान पे रखा, दायां तब से बंद है। जब देखो पापा के बारे में बकवास करते हैं तो पता नहीं तुम्हारे गेस्ट तुमको कैसे झेलते, मैं जा रही हूँ। उफ, ओह सॉरी। एनीवे सर, आई एम सो सॉरी फॉर माय फैमिली एंड नेबर्स, क्रीप पीपल, टैकी। ओके, एक बार वरुण आलिया और करण के लिए जोरदार तालियां। आप प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। अच्छा आलिया, हमने कहीं से सुना है कि जो आपकी लुक्स है फिल्म में उसको देख के आपको शादी के बड़े सारे प्रपोजल्स आ रहे हैं। आपने किया था ना? रियल लाइफ में अगर यू वांट टू बिकम मिसेस शर्मा, वाइफ से बात कर सकता हूँ मैं? ठीक है, अगर बट वाइफ कोई TDS नहीं जो तो आप काट दोगे? उसमें से क्या काटूंगा, पहले ही 10% है। अगर आप कह रहे कि प्रपोजल आए हैं तो पता नहीं आए होंगे, बट अगर आप मुझे प्रपोज करोगे तो कैसे करोगे? मैं छोड़ने की बात बाद में करेंगे। गाना गा लो कपिल जी, आपने बहुत टाइम से गाना नहीं गाया। हाँ, हम भी अभी लो। हाँ।
Come on, watch me. Yo! Come on! Go for it! Go! मैं तैनु समझां कि न तेरे बाजों लगदा जी तू की जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा तू जिंद तू ही जान मेरी वाह मैं तनु समझावा ना तेरे बिना लगदा जी तू की जाने प्यार मेरा मैं करूं इंतजार हार तेरा तू दिल तू यो जान मेरी कल भी मिलेंगे हम लोग 10 बजे इसी मंच पे तब तक हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए कॉम्बिनेशन।